पूर्व ब्लॉक प्रमुख और राष्ट्रीय लोकदल के नेता हाजी यूनुस के काफिले पर फिल्मी स्टाइल में 50 से 60 राउंड गोलियां चलाने वाले गोलीकांड का बुलंदशहर पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस का दावा है कि दोनों हाथों में हथियार लेकर गोली चलाने वाले मुख्य शूटर लखन पुत्र शामवीर निवासी मलपुरा थाना सिकंदराबाद को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के अनुसार काफिले पर हमला करते वक्त बचाव के दौरान ही यूनुस के सिक्योरिटी गार्ड्स द्वारा की गई क्रॉस फायरिंग में आरोपी शूटर लखन के पेट में गोली लगी थी, जिस वजह से मुख्य शूटर लखन का दिल्ली के एक निजी अस्पताल में उपचार चल रहा था। इसी दौरान पुलिस को सूचना मिली तो मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने दिल्ली के एक निजी अस्पताल से मुख्य शूटर लखन को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि हाजी यूनुस के भतीजे ने ही संपत्ति विवाद में अपने चाचा की सुपारी दी थी और सुपारी किलर्स ने रालोद नेता हाजी यूनुस के काफिले पर 50 से 60 राउंड ताबड़तोड़ गोलियां चलाई थी। 5 दिसंबर को शादी समारोह से लौटते समय शूटरों ने दिन दहाड़े गोलियों की बरसात कर पूर्व ब्लॉक प्रमुख के काफिले पर हमला कर दिया था। हमले में 5 लोगों को गोली लगी थी, जिसके बाद एक समर्थक की अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई थी। संपत्ति के विवाद में अपने ही अपनों के खून के प्यासे हो गए। बताया जा रहा है कि अलीगढ़ में स्थित एक मीट फैक्ट्री और बुलंदशहर की कुछ संपत्ति के विवाद को लेकर भतीजों ने ही चाचा के मर्डर की योजना बनाई थी और लंबे समय से लगातार संपत्ति को लेकर परिवार में मौतों का सिलसिला जारी है। पहले माँ, फिर पिता और अब चाचा की जान लेने को तैयार भतीजे ने पूरी हत्या का षड्यंत्र रचा था और षड्यंत्र रच घटना से 2 दिन पूर्व विदेश दुबई के लिए रवाना हो गए थे। फिलहाल घटना में नामजद 2 आरोपी दुबई में है और 1 आरोपी पूर्व से ही जेल में सजा काट रहा है। देखिए 5 दिसंबर को बहुत ही सनसनीखेज तरीके से भाईपुर गांव में कोतवाली देहात में हाजी यूनुस जब अपने लोगों के साथ 3 गाड़ियों से एक शादी समारोह से वापस आ रहे थे तो रास्ते में उनकी गाड़ियों पर फायर हुए और उस फायर में कुल 5 लोग घायल हुए थे, 1 की मृत्यु हो गई थी। पुलिस के लिए बहुत ही चैलेंजिंग जॉब था। इन्हें अपने सगे भतीजों पर शक था, उस आधार पर साजिश में इनके भतीजों के नाम लिखे गए। कुल 6 लोगों को इनके द्वारा नामजद किया गया था, जिसमें 3 इनके भतीजे हैं, 4 भतीजे हैं, 1 जो है एक भतीजे का साला है हारिस और 1 नावेद नाम का व्यक्ति है। इस तरह कुल 6 लोगों को नामजद करते हुए इनके द्वारा FIR लिखाई गई थी। हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती थी उन शूटर्स की पहचान करना जिनके द्वारा यह घटना कराई गई थी। उस क्रम में हमारी SWAT टीम और कोतवाली देहात की टीम के द्वारा बहुत ही सार्थक तरीके से तमाम साइंटिफिक तरीकों का इस्तेमाल करते हुए बहुत शीघ्र घटना का अनावरण कर लिया था और ज़्यादा से ज़्यादा 20 घंटे के भीतर ही लगभग घटना में सम्मिलित वास्तविक अभियुक्त जिन्होंने घटना कारित किया था उनकी पहचान स्थापित कर ली थी और उसी क्रम में लगातार प्रयास करते हुए घटना का मुख्य सात शूटर जो इस गैंग का लीडर कहा जा सकता है, जिसको घटना के समय मौके पर गोली लगी थी, इस बात की भी चर्चा उस दिन थी कि एक अपराधी को गोली लगी है और घायल है और उसकी लोकेशन दिल्ली में पाई गई और उस लोकेशन के आधार पर हमारी टीम ने जा करके जब ट्रेस किया तो मैक्स हॉस्पिटल का लोकेशन निकला और उस लोकेशन के आधार पर उस अभियुक्त को हिरासत में लिया गया। वहाँ जब जानकारी की गई तो पता ये चला कि उसने डॉक्टरों को ये बताया था कि आत्महत्या करना चाहता था और उस वजह से गोली लग गई है। फिर उन्हें पुलिस अभिरक्षा में ला करके जनपद बुलंदशहर के हॉस्पिटल में रखा गया है और वैधानिक कार्रवाई रिमांड आग बनवाने की जो नियमानुसार है को कराई जा रही है। पूरे घटनाक्रम का अनावरण हो गया है। घटनाक्रम कुछ इस तरह का है कि जो नामित अभियुक्त थे, जिसमें चारों भाई और हारिस है, इनकी विशेष संलिप्तता रही। सारी योजना का सूत्रधार हारिस है, जो घटना से 2 दिन पहले UAE चला गया है अपने एक रिश्तेदार के साथ, जो नामित है इसमें, और 1 अनस वर्तमान में जेल में है। तो हारिस ने बहुत ही सुनियोजित तरीके से असलहों की व्यवस्था की और इसके बाद गिरोह को उपलब्ध कराया। गिरोह के लोग पूर्व से उससे जुड़े हुए थे। पूरे घटनाक्रम में मौके पर कुल 7 अभियुक्तों की उपस्थिति पाई गई, जिसमें 5 स्विफ्ट VDI कार से थे,
दो मोटरसाइकिल से थे। जो मोटरसाइकिल से थे उनके पास कोई वेपन नहीं था, वो सुबह से ही रेकी कर रहे थे यूसुफ का, और लगातार वही सूचनाएं भी दे रहे थे उस टीम को जो घटना करने के लिए लगाई गई थी। पांच लोगों में से एक अभियुक्त मुख्य जो शार्प शूटर था लाखन गुजर, गांव मलपुर थाना सिकंदराबाद का था, इसे गिरफ्तार किया गया है, अभी रक्षा में लिया गया है। यद्यपि अभी हॉस्पिटलाइज है, पेट में गोली लगी थी लेकिन स्वयं खतरे के बाहर। इसके अन्य जो साथी हैं लगातार उनके यहाँ दबिश दी जा रही है। उसी दबिश के क्रम में थाना खानपुर क्षेत्र का भी एक अपराधी मौके पर घटना में सम्मिलित था, उसके यहाँ दबिश दी गई है। आज अभियुक्त को नहीं मिला लेकिन उसके घर के अंदर से एक बंदूक पुरानी जो इस घटना में प्रयुक्त नहीं है लेकिन नाजायज असलहा है वो बरामद हुआ है और उसकी पत्नी को गिरफ्तार करके उसमें वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। तो शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए हमारी टीमें लगातार प्रयास कर रही हैं, और एक प्लान्ड मर्डर था जो पैसा दे करके कराया गया था। अभियुक्तों की गिरफ्तारी का हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। इसी क्रम में साजिश में दो अन्य की भी संलिप्तता पाई गई, जिनमें जो नामित अभियुक्त तीनों भतीजे इनके हैं चारों, उनका उनके रिश्तेदार बिलाल और खालिद जो नरसल घाट के रहने वाले हैं, इन्हें भी गिरफ्तार करके 120वीं में जेल भेजा गया। ये लाखन गुजर जो एक बात आई थी मौके पे कि एक अपराधी दोनों हाथों से फायर कर रहा था, तो लाखन गुजर था और ये असलहे से लगातार फायर कर रहा था और उसी क्रम में इसको गोली लगी थी। बाद में मैक्स हॉस्पिटल दिल्ली में इसको ले जा करके इसके लोग इलाज करा रहे हैं। देखिए, इस तरह का कोई गैंग जो है वो पूर्व से पंजीकृत या चर्चित नहीं रहा है, ये सब छोटे स्तर के अपराधी रहे हैं और इन्होंने एक साथ इस काम को हाथ में लिया था, और जिसमें कुल 7 लोग सम्मिलित थे जिनमें 2 जनपद गाजियाबाद के हैं, उनका भी हम तलाश का प्रयास लगातार कर रहे हैं, और 3 जो मौके पे थे जो फायरिंग करने में थे ये, प्लस 1 और था रेकी करने में, वो भी इसी जनपद का रहने वाला। ये इस प्रकरण में 2 तो 120वीं में बिलाल और खालिद जेल जा चुके हैं, 1 अनस पूर्व से जेल में है 3, और 1 मुख्य शूटर लाखन गिरफ्तार कर लिया गया है, पुलिस की अभिरक्षा में है, यद्यपि हॉस्पिटल में है अभी। और 1 अभियुक्त की पत्नी को तलाशी के दौरान उसके घर में नाजायज असलहा मिला है, बंदूक मिली है, तो उसे गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है, लेकिन उसका इस घटना से कोई संबंध नहीं। देखिए, 2 लड़के बाइक से अपाची मोटरसाइकिल से, जिनमें से 1 इसी जनपद का रहने वाला है और 1 और अन्य है जो नोएडा का था, ये दोनों निशस्त्र होकर के लगातार सुबह से ही अपनी गाड़ियों से अपाचे से इनका पीछा कर रहे थे और लोकेशन ट्रेस कर रहे थे और सूचना दे रहे थे उस पार्टी को जिसको ये घटना करनी थी। देखिए, इन दोनों के बीच में, चाचा और भतीजों के बीच में संपत्ति को लेकर बड़ा लंबा विवाद चला रहा है और पूर्व से भी रंजिश है। इनका एक भतीजा अपनी सौतेली माँ की हत्या के प्रकरण में अभियुक्त है, उस प्रकरण में भी हाजी यूनुस के द्वारा लगातार प्रभावी पैरवी की जा रही है। दूसरा अभियुक्त अपने पिता की हत्या के मामले में जेल में है, उसमें भी इनके स्तर से पैरवी की जा रही है। तो एक तो वो विवाद था जिसकी वजह से दोनों के बीच में नफरत की खाई बढ़ गई थी, लेकिन जो तात्कालिक कारण था, वो अलीगढ़ की एक मीट फैक्ट्री है जो बड़ा पैसा देती है, और हाजी अलीम ने जो हाजी यूनुस के बड़े भाई थे उन्होंने उसकी स्थापना की थी। बच्चे चाहते थे कि उनका हक बना रहे और परंपरागत रूप से हाजी यूनुस भी उसमें हिस्सा ले रहे थे, तो वहाँ फैक्ट्री पे कुछ महीने पहले इनके बीच में आपस में मारपीट विवाद हुआ। अब ये उन चीजों का खुलासा हम बाद में करेंगे जब और अभियुक्त पकड़े जाते हैं, लेकिन फिलहाल पूरी तरह से घटना में सम्मिलित सभी अभियुक्तों के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त हो गई है और मुख्य अभियुक्त को इनाम कितना दिया जा रहा है? 25,000 रुपए की पुरस्कार राशि हम अपनी टीम को इनाम दे रहे हैं, क्योंकि बहुत ही कम समय में इन्होंने बहुत ही साइंटिफिक तरीके से और तार्किक तरीके से घटना का अनावरण किया। फिलहाल पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी है। पूरे मामले में बुलंदशहर SSP संतोष कुमार सिंह का कहना है कि राष्ट्रीय लोकदल के नेता के काफिले पर हमले के मामले में खुलासा किया गया। संपत्ति के विवाद में भतीजों ने चाचा को मरवाने के लिए ही षड्यंत्र रचा था। फिलहाल एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि अन्य आरोपियों की पुलिस तलाश कर रही है। टाइम 24 न्यूज के लिए इकबाल सैफी की रिपोर्ट।
अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।